भले ही हरियाणा की प्रदेश सरकार टॉलरेंस की बात करे, लेकिन देर सवेर कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी काम करने की एवज में पैसे लेता पकड़ा जाता है। ताजा मामला भिवानी नगर परिषद का है, जहां सबसे बड़े अधिकारी यानी ईओ को हिसार विजिलेंस टीम ने एक ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की गलियां बनाने वाले ठेकेदार विशाल यादव ने हिसार विजिलेंस में शिकायत दी थी कि भिवानी नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी दीपक गोयल उसके बिल पास करने के लिए 35,000 रुपए मांग रहा है। ठेकेदार की शिकायत पर हिसार विजिलेंस के डीएसपी विजेंद्र अत्री ने अपनी टीम के साथ देर शाम भिवानी नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और ईओ से पूछताछ शुरू की। ठेकेदार विशाल यादव का कहना है कि ईओ ने पहले भी बिल पास करने के लिए उससे 46,000 रुपए लिए थे, इस बार भी जब पैसे मांगे तो शिकायत हिसार विजिलेंस को दी गई। वहीं जांच के बाद विजिलेंस के डीएसपी विजेंद्र अत्री ने बताया कि ठेकेदार की शिकायत पर ईओ के पास पहुंचे और ईओ दीपक गोयल को 35,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर जब आरोपी ईओ दीपक गोयल से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपियों को गलत बताया और कहा कि मेरा तबादला हो गया है। नगर परिषद के चेयरमैन व ठेकेदार ने फोन करके मुझे बुलाया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर उसके बिल पास कर कोई पैसा नहीं लिया गया। आरोपित ईओ ने कहा कि पैसे खुद ठेकेदार ने विजिलेंस टीम को एक तकिए व एक कप के बॉक्स के नीचे से निकाल कर दिए। भिवानी से समाचार एक्सप्रेस। क्या शिकायत आपके द्वारा दी गई थी? मेरे द्वारा ये दी गई थी जी, ये जो कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जी, ये मेरे से रिश्वत मांग रहे थे जी मेरे बिल पास करने की। मैंने गली बना दी थी, मैंने टेंडर लिया था जी रेट डाल के और काम कर दिया मैंने पूरा, मेरा मेरे पैसे तो गलियों में पड़े थे जी। और अब मैं जब मेरे बिल पास करवा रहा था तो अभी बोले पहले मेरे को कैश पैसे दे, जब तेरे बिल पास करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा ले जाए। कितने रुपये की डिमांड की है? इनने मेरे से 35,000 रुपये मांगे थे जी, और पहले मांगे थे इनने 7% जी। मेरी सिस्टर साथ दी, जब मैंने पैसे वो बिल पास करवाना था उस टाइम बोले 7%, तो जब दे के पहले वाला बिल पास किया फिर मैंने इनको पहले कितने दिए थे? पहले इनको दिए थे मैंने 46,000 रुपये, फिर उसके बाद फिर मैंने इनकी कंप्लेन की और फिर इनको वो दिए। पहले भी कोई शिकायत की थी? किसकी शिकायत की थी? दो तीन बार कर ली पहले भी, यहाँ पे भी कर लीजिए, रिश्वत मांगते हैं करते हैं, पर ये मान्य नहीं है। तो सबको भाई सीधे जाते फाइल वापस ले जाओ, काम चाहे किया हो नहीं किया हो मेरे को मतलब नहीं। मेरे को तो 35,000 रुपये दिए थे। कहाँ पर दिए थे? हाँ भाई अंदर ही ले जाके इनके रेस्ट रूम में ही इनने लिए थे मेरे से। किस टाइम दिए थे या कहीं रखे थे? 7:37 उस टाइम तक ऑफिस लगा हुआ था ना? ऑफिस तो 5 बजे ने फोन करके बुलाया मेरे को। बस वो आपने पैसे यूं बोला दिए थे या कहीं रखे थे? ना पैसे मैंने नहीं को दिए थे, इनने वहीं पे रख दिया अपने रेस्ट रूम में। मतलब इसने हाथ में लेके फिर रखे? हाँ हाथ में लेके रखे थे। तो फिर मैं यहाँ पे इनका फोन आया शाम को, अब यूँ बोले ऑफिस में हूँ, ऑफिस में आ जा, और मैंने आके ना और यहाँ पे करवाया। फिर मैंने अधिकारियों ने कोई साइन भी किया नोटों के, कोई रंग लगाया कुछ इस प्रकार से किया था? किन पे जी? विजिलेंस अधिकारियों ने जो आपने पैसे? हाँ नोटों के नंबर नोट कर रखे थे जी। हाँ वो इनने मेरे से वही रुपये मांगे, मैंने इनकी ट्रांसफर हो रखी है। फिर आज कैसे ये चीज़ मेरे को नहीं पता, मैंने तो इन्हें फ़ोन मारी पूछा सर मेरी फाइल वो करवाने, मेरे को बिल है। अब कितने के बिल थे? वो थे जी मेरे 13-14 लाख रुपये के बिल थे जी, और कम से कम यूँ लगा लो 8-9 महीने से पेंडिंग पड़े थे जी। कितनी फाइल थी आपकी? 3 फाइल थी जी। एक और? एक रख ली इनने पहले, फिर वो बाद में की। अब कितनी फाइल थी जो आज क्लियर करनी थी आपकी? ये तीनों कर दी। तीनों कर भी दी थी सर पैसे लगते? हाँ पहले एक रख ली थी फिर एक भी कर दी दोबारा। किस चीज़ का काम किया था आपने? गली निर्माण का जी। किस एरिया में? कितने वार्ड? एक तो वार्ड नंबर 28 में, एक वार्ड 12 में, एक वार्ड 10 में। तो लगातार सबसे ही पैसे लेते हैं या आप सिर्फ मांगते हैं? सबका तो देखो कहते तो सब हैं जी, किसी की हिम्मत तो ही नहीं आज तक। अब ये चीज़ तो जैसे स्पष्ट हो उसी टाइम पता चले जी। अब उनकी तो मैं क्या बताऊँ किस से लियो, मेरे से लियो थे मैंने अपने दे दी। दूसरी मरतबा ली है आपसे? हाँ जी। कितने मांगे थे? 35,000 रुपये मांगे। जो नोट दिए हैं वो 100-100 के हैं? 500 के? 2,000 के। साल यादव है कॉन्ट्रैक्टर, उसने गली पक्की गलियों का काम किया था और उसकी 2-3 फाइल यहाँ पेंडिंग थी, इसकी एवज में उसने हमारे को शिकायत करी है। जो ईओ है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनसिपल कमेटी का,
पास करने की एवज में पैसे मांग रहा है। तो हमने इस बिना पे प्लानिंग बना के और रेडिंग पार्टी तैयार की, तो हमने यहाँ रेड किया है। तो इन्होंने उसने 35,000 रुपये बतौर रिश्वत दिए, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 35,000 इनसे इनके कब्जा से मिले हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया। अब आगे तफ्तीश जा रही है इसमें। हाँ, रेड हैंड पकड़ा इनको। तो नोट जो थे पहले उनको रंग लगाया गया था या नंबर नोट किया? नोट को पहले हमने नंबर लिखे थे और वही नोट इनसे बरामद हुए हैं यहाँ से। रंग भी लगा गया और रंग भी लगा गया था। सर, ये पता लगा कि किस एवज में पैसे लिए? ये ठेकेदार है विशाल यादव, इन्होंने पक्की गली का काम किया था जो कमेटी के अंदर आती है, तो उस एवज में फाइल पास करने की एवज में इनसे कमीशन मांग रहा था 5%। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.